हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने वर्ल्ड में और अभी आप लोग देखो मेरे सामने इतना सारा डायमंड यहाँ पर रखा हुआ है जो आज मैं माइन करने वाला हूँ। लास्ट वाला एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा जहां पर मैंने ये सारा डायमंड माइन किया था। बहुत ही ज्यादा टाइम लगा था इसको माइन करने में, लेकिन मैंने सिल्क रथ से माइन किया था ताकि मैं आज इसको फॉर्च्यून 3 से माइन कर सकूं। फिलहाल अभी मेरी किसी भी पिकैक्स में फॉर्च्यून 3 नहीं है। ये वाली पिकैक्स थी जिससे मैंने माइन किया था, इसकी हालत अभी खराब है लेकिन आज रिपेयर हो जाएगी क्योंकि एक्सपी मिलेगी जब मैं ये वाला डायमंड माइन करूंगा। मेरे पास एक और पिकैक्स है। तो देखो आज का प्लान बहुत सिंपल सा है। फिलहाल मेरे को आयरन गोलम दिख रहा है यहाँ पे, ओके मैंने अभी नोटिस नहीं किया था। यहाँ पे मेरे को एक और दिख रहा, ओके दो आयरन गोलम आ चुके क्योंकि खुशखबरी आई हुई है और हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। बच्चे मैंने इसलिए पैदा किए थे, लास्ट टाइम पे मैंने सारे के सारे जो विलेजर थे, एक तो निकम्मा था उसमें, उसके अलावा सारे के सारे जो विलेजर थे वो काम पकड़ लिया था सबने। अब मुझे आज दोबारा से सरदर्दी करनी है और मुझे फॉर्च्यून 3 लेनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कुआं सा बना रखा है जिसमें पानी के अलावा सब कुछ है। तो यहाँ पे ये लोग है, रात हो गई क्या, मैं भी सो के आता हूँ, कल सुबह बात करते हैं। अभी सो जाते हैं, अभी मेरे लिए रात नहीं हुई, ओके ये कामचोर इनके लिए पहले ही रात हो गई। तो देखो मैंने यहाँ पर ब्रीड करना लगा दिया क्योंकि ब्रीड होने में टाइम तो नहीं लगता, ये लोग उसके लिए तैयार रहते हैं हर टाइम, लेकिन उसके बाद बच्चे पैदा हो के बड़े होने में टाइम लगता है और बड़े होने में पता नहीं 3-4-5 दिन लगते हैं। तो अभी इसमें से एक तो बच्चा बड़ा हो चुका है, दो और है, इन दोनों के अलावा मुझे इसको देनी है फॉर्च्यून 3, मांगना है इससे। अब ये नहीं देगा, अगर उन लोगों ने सिखा दिया होगा इसको तो फिर ये भी नहीं देगा, लेकिन लेना तो पड़ेगा मुझे, भले ही 10 बार 50 बार, 10 बार तो बहुत कम हो गया, भले ही 100 बार ट्राई करना पड़े। तो अभी हम लोग लेंगे एक दो, एक सेकंड मेरे को एक और आयरन गोलम दिखाता है क्या, नहीं ओके दो ही तो है ओके। तो अब यही मुझे काम करना है, लेकिन सबसे पहले ना मुझे यहाँ से निकालना, चल तू निकल, चुपचाप आ जा बाहर। अबे तू नहीं, ये बहुत चालाक हो रहे हैं, ये बहुत बहुत दिमाग खराब करते हैं। विलेजर के साथ काम करना मतलब सरदर्दी और बच्चे पैदा करने, इससे ज्यादा नीचे मेरे को, जल्दी से आ जा, पकड़ लेना जो, ओ आजा आजा, अरे दो ये, ओके ये बड़ा हो गया, अब रहने दे, जा। जब बुला रहा था तब नहीं आया, आयरन गोलम मारेगा तो नहीं ना, ओके ये कहाँ जा रहे है, एक सेकंड, डायमंड के वहां पे क्यों जा रहा है, वो भी वहीं पे रास्ता लग रहा है, एक सेकंड इधर पे क्या चीज है यार, कोई विलेजर तो नहीं फंसा हुआ यहाँ पे, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों यहाँ पे क्या है, बेवकूफ है यार ये, मेरा जो विलेजर है वो तैयार हो चुका है, अब जाके मेरे को इसके साथ सरदर्दी करनी है। लेकिन उससे पहले मैं इसको ना बोट में बिठाने वाला हूँ, ऐसे तो ये लोग बहुत परेशान करते हैं, तू इधर आ जा, ओके हो गया तेरा ड्रीम जॉब, मैं तेरे को अब देता हूँ, देखो तेरा ड्रीम जॉब वो नहीं था जो तू समझ रहा था। एक और आयरन गोलम है ना यहाँ पे पक्का, आवाज तो आ रही मुझे एक और आयरन गोलम की, पता नहीं कहाँ से, ये इतने सारे क्यों आ रहे हो यार तुम, एक सेकेंड नहीं करेगा काम, तो फिर बाहर क्यों आया है वहां से, पगले क्यों काम नहीं करेगा यार, एक सेकंड ये बंदा ना ये नाराज हो गया मुझसे ज्यादा ही, ये ले लेगा जॉब, ओके तो बहुत ड्रामे कर रहा था, नखरे कर रहा था, अब कुछ नहीं, ओके हाँ मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग करी है तो मेरे पास 64 और थोड़े से और एमरल्ड्स हैं, उसके अलावा मेरे पास स्टिक्स अभी कुछ भी नहीं है। फिलहाल इससे ट्राई पहली बार में कभी अगर दे देना सही में कमाल ही हो जाएगा, अगर पहली बार में ही दे दे मेरे को। अभी सिर्फ मैं फॉर्च्यून 3 ले रहा हूँ, बाद में प्रोटेक्शन 4 भी मुझे लेनी है, प्रोटेक्शन 4 होती ना, हाँ वो क्यों लेनी है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। यार तो ये मत कर काम, मेरे को जल्दी से काम करना है, तुझे नखरे कर रहे हैं आप बहुत सारे, इसको ना यहाँ से लेके चलता हूँ मैं, ये यहाँ पर उनके साथ रहेगा ना, उन्होंने सिखा दिया इसको कि तू काम मत कर, ओके चलो फाइनली इसने स्टार्ट कर लिया लेना, जल्दी से फॉर्च्यून 3 लेते हैं उसके बाद आगे का काम करते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली मेरे को फॉर्च्यून 3 मिल चुकी है, बहुत ज्यादा टाइम इसने लगाया मुझे देने में तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए इसको रिवॉर्ड मिलता है कि इसका जो जॉब ब्लॉक है मैं इसको ऐसे ही रखने वाला हूं। और हाँ इसमें से एक बंदा है जिसको मेरे को एफिशिएंसी 4 लेनी है, वो कौन सा वाला बंदा है देखना है, एफिशिएंसी 4 लेनी है इससे एक, ओके मेरे को ना बुक चाहिए, मेरे को बुक बनानी है कुछ, और बुक बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो एक काम करते हैं अपने दूसरे वाले विलेज में चलते हैं, वहां पे शायद लाइब्रेरियन है, वो बंदा मेरे को देगा बुक्स वगैरह, उससे लेके मैं तब जाके ये काम कर सकता हूँ। एफिशिएंसी 4 भी मिल जाए ना काफी, मतलब 5 की जरूरत नहीं है, 5 लूंगा उसको अपनी पिकैक्स में लगाऊंगा ना तो एक्सपी खत्म हो जाएगी, और मेरे पास थोड़ी सी स्टिक्स और थी तो एक काम करते हैं इनको भी बेच देते हैं और इससे ले लेते हैं इनसे एक, ये काफी महंगी कर दी इन्होंने ट्रेड, नहीं महंगी करी सस्ती करी, ओके अब मेरे पास खत्म सारी स्टिक्स, ओके तो ये बंदा था क्या सिल्क टच, ओके यही तो दे रहा है ना 9 में 1, ओके मेरे को सिर्फ एक चाहिए यहाँ से बस बुक, चलो अपने पास सब कुछ है बस मुझे एक चीज लेनी है, और मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी मेरे को, एफिशिएंसी 4 काफी है, बस हम लोग निकलते हैं, चलो ठीक है मेरे सबसे पहले यहाँ से ले, एफिशिएंसी वाला ये बंदा है इससे मेरे को एफिशिएंसी लेनी है,
एक काम करते चलो नीचे एफिशिएंसी 4 ओके अब अगर मैं एक और लूं है ना क्योंकि मुझे ऐसा ले लेते हैं एक्सपी बढ़ जाएगी अभी लेने में तो एक्सपी बढ़ेगी ना ओके 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 चलो चलो अभी मैं लगाता हूं इसको मेरा एनविल की कहां रखा है ओके 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 मुझे समझ में आ रहा है मैं एनविल शायद नीचे छोड़ के आ चुका था मैं ऊपर लेके आया नहीं उसको तो एक बार देख लेते हैं अगर यहां पे है नहीं तो आयरन स्मेल्ट करने रखते हैं और जल्दी से बनाते हैं फिलहाल इनका ये टेंपरेरी बेस है यहां पे इनको किसी चीज की टेंशन नहीं क्योंकि आयरन गोलम यहां पे है और बाद में मैं फिर इनके लिए कुछ करूंगा तो ओके तो एनविल मेरा यहां पे है नहीं अब अगर मैं उतना नीचे जाऊं तो फिर सरदर्दी होगी ना ऊपर आना तो एक काम करते कहा गया आयरन स्मेल्ट करने लगाते हैं और जो बाकी का कचरा है वो सब फिलहाल के लिए यहां से हटा देते हैं चलो जब तक ये आयरन स्मेल्ट होंगे मुझे तब तक वैसे कुछ और काम करना नहीं मेरे पास सब कुछ है मुझे बस ये लगानी है फॉर्चून 3 और एफिशिएंसी 4 उसके बाद हमारी तगड़ी वाली पिकेक्स बन जाने वाली है फिर जाके हम लोग काम करेंगे अपने नेक्स्ट मिशन पे जो है इसको पूरा माइन करना टाइम लगने वाला है लेकिन धड़ाधड़ एक्सपी बढ़ने वाली मजा आने वाला है तो आयरन अपने स्मेल्ट हो चुके हैं शायद इससे हो जाने चाहिए 3 मेरे को ब्लॉक बनाने उसके बाद एक एनविल बनाना ठीक है मैं काफी देर से इसे ट्राई कर रहा था कि ये मेरे को प्रोटेक्शन 4 दे दे जो मैं अपने आर्मर में बाद में लगा पाऊं बट ये बंदा नहीं दे रहा इसने प्रोटेक्शन मेरे को 2 या 3 अब देखो अब इतनी देर में जॉब पकड़ रहा है पता नहीं क्यों मैंने इसे बहुत ट्राई किया लेकिन ये नहीं दे रहा तो हम लोग इसको बाद में करेंगे सरदर्दी को और पकड़ ही नहीं रहा जॉब पता नहीं क्यों कई बार जॉब ही नहीं पकड़ रहा तो अभी एक काम ओहो तुम पहुंच गए यहाँ पे क्या लेके आया मेरे लिए ये बबल कोरल ब्लॉक लेके आया जो मैं आसानी से ओशन में जाके ले सकता हूँ ये मेरे घर के आसपास लगे हुए कैक्टस भी मैं डेजर्ट बायोम में जाके ले सकता हूँ ब्राउन डाई मेरे को आराम से मिल जाएगी उसके अलावा क्या बकेट ऑफ ट्रॉपिकल फिश मैं खुद ला सकता हूँ मैं क्यों लूँ इससे हाँ एक काम मैं कर सकता हूँ वो काम ये है कि मैं इसको मार के ना मेरे को लीड काम आ सकती है लीड काम आएगी मेरे को अभी देखो कहाँ गई लीड ये लीड काम आएगी मेरे को बाद में भी, किसी भी काम के लिए ठीक है तो अभी एक काम करते हैं एनविल रखते हैं हम यहाँ पर अपना और उसके बाद इसमें मेरे को लगानी है अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा 4 कॉस्ट पड़ रही इसकी एफिशिएंसी 4 इसमें लग चुकी है ठीक है अब जाके मैं इसमें लगाता हूँ एफिशिएंसी 4 मैंने 2 ले ली थी कोई बात नहीं अभी मैं सिर्फ इसमें फॉर्चून 3 लगा रहा हूँ अब एक्सपी बच रही है तो अब लगा लेते हैं इसमें एफिशिएंसी 5 भी होगी फॉर्चून हो गए ठीक है तो मेरे को एक काम करना है फिलहाल ना मेरे को जो एक्सपी मिलने वाली है वो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें चले जाए ताकि ये रिपेयर हो जाए क्योंकि मेरे को थोड़ी देर में इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है और अपने पास पानी की बकेट नहीं है क्या ओके एक सेकंड एक काम करते हैं पानी की बकेट चाहिए मेरे को ताकि मैं ऊपर चढ़ पाऊँ बस इसके लिए चाहिए बकेट मेरे को और किसी भी काम के लिए चाहिए चलो अब यहाँ से निकलते हैं ओके तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और पहले सारे सारे टॉर्च हटा देते हैं रिप्ले मोड भी ऑन कर लेते हैं वैसे रिप्ले मोड ऑन करके फायदा कुछ है नहीं बट फिर भी चलो अब यहाँ से माइन करना स्टार्ट करते हैं और अब यहाँ से सच का सामना होने वाला है एक काम करते हैं ओके ओके ठीक है मेरी इन्वेंटरी में कुछ भी नहीं है अभी एक भी डायमंड नहीं है जो डायमंड थे वो नीचे रख में आ चुका हूँ और ये वाली पिकेक्स कौन सी मेरी सिल्क टच इसको दूर रखो इससे गलती से माइन ना हो जाए ये रिपेयर होनी है और उसके बाद से ये करना है मेरे को ठीक है चलो फॉर्चून 3 एफिशिएंसी 5 कितने डायमंड मिलेंगे आप लोगों ने गैस किया था अभी थोड़ी देर में रिवील हो जाने वाला है और जिसने सही गैस किया होगा जो ज्यादा लोग करीब होंगे अगर बहुत सारे होंगे तो कैसे उनको शाउट आउट दूंगा मैंने सोचा नहीं बट कोई बात नहीं अभी फिलहाल माइन करना स्टार्ट करते हैं सोच लेंगे उसके बारे में ठीक है देखो 3 मिले पहले से अभी दूसरे से सिर्फ 1 मिला ओके 1 भी मिलता है किसी किसी में इतनी खराब किस्मत रहती है क्या होने वाला है पता नहीं रिजल्ट ठीक है पहले यहाँ से ये ले लेते हैं पहले साइड के थोड़े से माइन कर लेते हैं साइड के माइन करने में ना थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि साइड वाले जो है नीचे भी गिरते रहेंगे शायद पता नहीं एक्सपी तो बहुत तेजी से बढ़ने वाली लेकिन फिलहाल पहले मेरी पिकैक्स रिपेयर होगी अभी ऑफिशियली ऊपर की जो पहली वाली लेयर है ना वो मैंने हटाई है उसके ऊपर भी 4-5 और थे जो अलग से लगे हुए थे जो कम बचे हुए थे वो उसके अलावा एक पूरी की पूरी लेयर हटा दी तो अभी हमारे पास 64 64 39 ओके तो इतने डायमंड मेरे पास अभी हो चुके हैं मैं इनको एक साइड से रखना स्टार्ट करता हूँ और इनके लिए जगह बनाता हूँ यहाँ पर ठीक है तो ये हमारे और जो अब आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे तो उनको भी मैं ऐसे लगाने वाला हूँ ओके तो काफी सारे डायमंड हो चुका है यहाँ पर बहुत ज्यादा डायमंड हो रहा है उस दिन मुझे भले ही कम लग रहा था कि मैं इतनी देर से माइनिंग कर रहा हूँ और इतना ही डायमंड लेकिन वो और थे पूरे के पूरे और आज मैं माइन कर रहा हूँ फॉर्चून 3 से पहली बार मुझे लगता है कि मैंने इतने सारे डायमंड एक साथ माइन किए क्योंकि जब मैंने 10,000 और माइन किए थे ना वो उसमें डायमंड कम थे बहुत ज़्यादा डायमंड थे नहीं उसमें इतने तो नहीं थे मुझे इतना पता है तो पहली बार मैं सिल्क्रेस से माइन कर रहा हूँ उसके अलावा जितनी बार भी माइनिंग करता हूँ मैं डायरेक्ट फॉर्चून 3 से माइन करता हूँ तो उसी टाइम पर सब रिवील हो जाता है कितना डायमंड मिल रहा है ये लास्ट कुछ डायमंड बचे हुए हैं और शायद मेरी इन्वेंट्री में आ जाएंगे
नहीं 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 थोड़ी सी कमी हो रही है, ये ब्लॉक हटाते हैं, अब शायद आ जाएंगे। ओके मुझे मुझे गिनना है कि कितने सारे डायमंड हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग पूरा का पूरा एक डायमंड का बीकन बना पाए, एक बार देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से कोई भी डायमंड रह ना गया हो। ओके तो चेस्ट रख ली मैंने और यहाँ पर मैं डायमंड रखने वाला हूँ। जो पहले के मेरे डायमंड है वो ये है, इनको मैं काउंट नहीं करने वाला, मैंने पहले भी बताया था। तो एक एक करके सारे डायमंड रखने वाले हैं। तो मेरे पास कितने स्टैक है एक बार प्रॉपर स्टैक देख लेता हूँ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 स्टैक मेरे पास है और इसके बाद 40 और है। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितने हैं। A few moments later. तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप लोग भी कर लेना। और पता नहीं कोइंसिडेंस है क्या है, बट जैसा मैंने बोला था मुझे गलत प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कुछ और चीज हो गया है। मैंने बोला था कि 1000 से कम और ये एग्जैक्ट 1000, न एक ऊपर न एक ज्यादा, तो 1000 मेरे पास डायमंड है। और मैंने जैसे ये बोला था मुझे पता था, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार डायमंड के बीकन बनाए हुए हैं, तो मुझे पता है कि एक डायमंड के बीकन के लिए कितनी मेहनत लगती है। और उतनी मेहनत नहीं हुई थी कल लास्ट वाले एपिसोड में, तो मुझे पता था कि डायमंड का बीकन तो मैं नहीं बना सकता। तो 1476 चाहिए, यानी कि 476 डायमंड और मुझे चाहिए, जो बहुत ज्यादा होते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं 476 डायमंड। अब जाके मेरे को कमेंट चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इन किन लोगों ने कितना बोला था, तो मेरे को देखना पड़ेगा किसके 1000 के करीब है। बहुत सारे मुझे लगता है कि लोगों ने करा है 1000 के आसपास गैस, जितने मैंने कमेंट पढ़ते जितना मेरे को याद आ रहा है। तो जल्द से कमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में इधर ही पे मिलते हैं। ओके गाइस, तो कमेंट पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि एक दो नहीं बल्कि टोटल 18 लोगों ने सही गैस किया है। मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे लोग सही गैस करेंगे। और ये नाम है अब्दुल रफे, चौहान विद्यासागर, दीप 007, IGAG गेमिंग, झेंकर, केशव राठौर, कोमल देशमुख, नोबी किलर, NSG गेमिंग 17, प्राजक्ता जोशी, प्रिंस गेमर्स अली, प्रोजेंट 96, सागर YT गेमिंग, TG शो, द मैजिक वर्ल्ड, TSYX गेमिंग, वकस एजाज एंड हू आर यू FF। तो मुझे लगा नहीं था कि 18 लोग एग्जैक्ट आंसर बता पाएंगे। मैंने पहले सोचा हुआ था कि एक काम करेंगे, जिनके बहुत ज्यादा करीब होंगे उनके सबके नाम, उनको सब कुछ आउट मिलेगा, बट हुआ कुछ और ही। मेरे को बल्कि एक तो नहीं 18 लोगों ने सही गैस कर दिया कि टोटल 1000 मिलेंगे। पता नहीं कैसे किया, बट हाँ मतलब उनका सबको बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने सही कमेंट किया, और जितने भी लोगों ने कमेंट किया उनको थैंक यू। अब हम लोग अपने नेक्स्ट काम में बढ़ते हैं और वो है दोबारा इसके साथ सरदर्दी करना। इससे मेरे को लेनी है प्रोटेक्शन 4, अगर ये नहीं देगा तो फिर ये पिटने वाला है आज। एक सेकंड तो काम क्यों नहीं ले रहा यार, मेरे को ना कोई और विलेजर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा काम ले से काम करने से इनकार कर रहा है। तो या तो एक काम मैं कर सकता हूँ, इसको ना इसको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, एक काम करते हैं इसको छोड़ते हैं अब यहाँ से, ठीक है। अब इसको एक बार जाने देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है एक बार देखता हूँ, उसके बाद मेरे को दोबारा इसको बोट में बिठाना पड़ेगा। ये अंदर घुसेगा नहीं, नहीं नहीं अंदर नहीं घुस रहा है ये बंदा, बहुत बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है मेरा। अब यहाँ पर आयरन गोलम भी है, एक नीवल के इतने सारे आयरन गोलम, अगर इनको मैं मारूं भी तो काम नहीं चल पाएगा। ओके तू आ जा बाहर, मेरे को लग रहा है तू आएगा बाहर, जल्दी आ जा, जल्दी से आ जा, आ जा भैया निकल जा वहां से, बस 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 बस। ओके अब तेरे को लालच दिया था मैंने, अब तू काम करेगा ये वाला। बेन ऑफ ऑर्थोपोडी स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरे को लगता है कि ये देगा बंदा मेरे को। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कहीं पर बोलूँ, अरे यार ये तो फिर चले गया नीचे। ओके ओके एक इसमें से निकल गया बंदा, खैर ये दोबारा चले जाएगा क्योंकि इसकी जॉब ब्लॉक वहां पे है। तो अब जाके इनमें से कोई तो लेगा ना, कोई तो लेगा इनमें से। ओके तो अब जाके ये लेना स्टार्ट कर चुका है, और थोड़ी देर में जब ये प्रोटेक्शन 4 मेरे को देगा तब जाके हम लोग अपने नेक्स्ट काम यानी कि नेदरराइट माइन करने के लिए जाएंगे, कि आज मुझे अपने लिए पूरा पूरा नेदरराइट का आर्मर बनाना, या फिर ये कह लो डायमंड का आर्मर बना के उसको आज ही नेदरराइट में अपग्रेड करना है। इतनी जल्दी देगा नहीं वैसे। ओके गाइस, तो काफी देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली अभी मेरे पास 3 प्रोटेक्शन 4 की बुक हो चुकी है। बहुत मुश्किल काम था इसको लेना, मतलब मैंने प्रोटेक्शन 3 तक को ठुकरा दिया था, क्योंकि मुझे प्रोटेक्शन 4 चाहिए थी। मैं 3 को भी कंबाइन कर सकता था बट मैंने नहीं किया, और फाइनली मेरे पास अभी हो चुकी है। अभी मुझे एक काम करना है कि मुझे यहाँ से एक प्रोटेक्शन 4 की लास्ट वाली बुक लेनी है जो मैं लेने वाला हूँ। उसके पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे उसी बंदे से, यही बंदे से ये लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है अभी, ठीक है। तो एमरल्ड लेने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि एमरल्ड की बार बार ट्रेड ये लोग बंद कर दे रहे थे, और मुझे दोबारा से वेट करना पड़ा था इनके अनलॉक होने तक का। प्रोटेक्शन 4 चौथी बुक, तो 4 पूरे आर्मर के लिए मैंने प्रोटेक्शन 4 बाई कर लिया यहाँ से। अब जाके एक काम करना है, सबसे पहले तो जो बंदा है इससे कुछ, इसको लकड़ियां बेचनी है और इससे कुछ एमरल्ड मेरे को बाई करना है, ठीक है।
ताकि मैं अनब्रेकिंग 3 भी ले पाऊं, क्योंकि अनब्रेकिंग 3 अगर लग गई ना तो मतलब कमाल हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त वाली हमारी जो इंचेंटमेंट, इसके अलावा कुछ इंचेंटमेंट चाहिए नहीं फिलहाल के लिए, तो मतलब बाद में जो चाहिए होंगे ऑप्शनल वो हम लोग बाद में ले लेंगे। तो एक काम करते हैं यहाँ से इसको, ओके इसका प्रमोशन डे बाय डे होते जा रहा है, अमीर बन रहा है, इससे लोग चिढ़ने लग गए, अब ये लोग इससे चिढ़ने लग गए। तो बाकी क्या हुआ, बाकी अभी हम लोग यहाँ पर क्रीपर फट गया, मैं मर गया था, ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था यार, क्रीपर पता नहीं कैसे फटा, मेरी शीप गायब कर दी उसने, लेकिन मैं बच गया मैं कैसे भी कैसे बच गया वहाँ से। अभी यहाँ से निकलते हैं, और ये लोग जो दो लोग हैं ना, इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, मैंने इसके एक सेकंड, ओके मैं जा रहा हूँ यार, ये पहली बार इन्होंने मुझे काटा पफर फिश ने, तो इससे मैंने बहुत बार कोशिश करी कि यार तू कुछ काम कर ले, नहीं ये बंदा नहीं करने वाला कुछ भी काम। तो इन लोगों ने बहुत हेल्प करी, ये लोग बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड अनलॉक कर दे रहे थे। इनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ये लोग कैद करके रखो ना, अगर बोट में बिठा के रखो इनको, तो ये फिर अपनी ट्रेड अनलॉक नहीं करते, इनको फ्री छोड़ना पड़ता है आज़ाद। तो भी सारे के सारे इससे यहाँ एमरल्ड ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अनब्रेकिंग 3 लेना है, मुझे नहीं पता कि अनब्रेकिंग 3 कितने की है, बट प्रोटेक्शन तो बहुत महंगी थी, उतनी महंगी तो मुझे नहीं लगता कि होगी। मेरे पास बहुत सारा वुड है, मेरे को ना देखो ये वाली पिक एक्स से काम नहीं हो रहा था, तो मुझे ये वाली एक्स बनानी पड़ी, जिसमें मैंने एफिशिएंसी 4 लगाई, तब जाके काम एकदम मक्खन की तरह होने लगा था। ये भी अभी और देने वाला, ओके तो हम लोग ले लेते हैं जितना भी एमरल्ड मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी ट्रेड बंद कर दी, इसने अनलॉक कर दी नहीं, ओके तो अभी मुझे एक सेकंड अनलॉक कर दी क्या, ऐसा लगा मुझे कि अनलॉक करी, नहीं करी ओके अभी मुझे यहाँ से कहाँ छिप के बैठा हो, ओके तो इससे मेरे को लेनी है अनब्रेकिंग 1-2 ओके 2 ही ले पाऊंगा अभी। एक काम करेंगे अभी, पहले मेरे को यहाँ से और बुक लेनी पड़ेगी, बुक मतलब बुक की टेंशन भी मेरी खत्म हो गई यार, मुझे लेदर की जरूरत नहीं पड़ रही है, इनसे ले लो ट्रेड करके, हाँ पैसा होना चाहिए, मतलब एमरल्ड होने चाहिए अपने पास। बाकी 3 और 4 अनब्रेकिंग 3 मैंने ले लिए, और बाकी कुछ भी जो भी सारी चीजें थी ले ली है, तो यहाँ से अपना सारा काम हो चुका। अब एक काम करते हैं, जो कीमती चीजें हैं ना, देखो एक और आयरन गोलम यहाँ पर आ चुका है, अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन 4 बहुत तगड़ी इंचेंटमेंट होती है, ये मैंने रख लिया। अब जहां तक मुझे याद है कि शायद मेरे पास ओके मेरे पास यहाँ पे ऑब्सीडियन नहीं है, ऑब्सीडियन मैंने लेके रख के आया हूँ नीचे, तो ये बुक यहाँ पर रख देता हूँ, आयरन की जरूरत नहीं है, उसके अलावा सब कुछ है अपने पास। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले ऑब्सीडियन लेके आता हूँ, उसके बाद एक पोर्टल बनाएंगे और हम लोग नेदर में घुस जाएंगे। पहली बार नेदर जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं देखना, मुझे आज कुछ नहीं करना, मुझे जाके सिर्फ नीचे जाना है और वहां से एंशिएंट डिब्रीज को माइन करके लेके आना, जो बहुत मुश्किल काम होता है। ये कौन सी वाली केव है, ओके इधर वाली केव है शायद, इधर ओके ये वाली केव है, लेकिन मैं इधर से जाने वाला हूँ, क्योंकि वो मैंने ना उल्टे सीधा लगा रखे हैं। चलो ओके, तो ये मेरे ऑब्सीडियन है, यहाँ पे मेरी ये भी है, इसको भी ले लेते हैं, और बाकी ये सब ये बाद में काम आ जाएगा, अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से लेके चले जाता हूँ। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि ये कुछ अलग है, मतलब यूनिक है, कभी कभार ही मिलता है, मुझे मिल गया, और ये भी बोला हुआ था कि वहाँ पर बहुत सारा आयरन होता है, ये मुझे नहीं पता कि सही है नहीं है, मैं तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये सब मिलने का। फिलहाल ऊपर चलते हैं और पोर्टल बना के अंदर के लिए निकलते हैं, बहुत रिस्क होने वाला है क्योंकि आर्मर अपना ये है, तो मेरे को बहुत ध्यान से चलना होगा नेदर के अंदर में। ओके फाइनली चल रहे हैं नेदर के अंदर में, और देखते हैं कि नेदर के अंदर का क्या हाल चाल है। अच्छा स्पॉन हो, बस मैं चाहता हूँ कि अच्छा हो, नीचे लाओ वगैरह ना हो। एक सेकेंड तो ओके, तो हम कुछ खास जगह तो नहीं आ पाए, लेकिन हाँ यहाँ पर नेदर में ये जो बायो है ना, यहाँ पर बहुत स्केलेटन होते हैं, बिल्कुल तैयार रहना होगा, और कभी भी मैग्मा भी है यहाँ पर, ओके मैग्मा तो होंगे ही होंगे, तो मेरे को ना नीचे फोर्ट्रेस, ओके यहाँ पर फोर्ट्रेस है मेरे सामने, लेकिन खतरा भी ज़्यादा होगा, तो अभी मुझे ना यहीं से नीचे घुसना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रिस्क है हर जगह पर बहुत ध्यान से चलना होगा मेरे को। मैं टॉर्च लेके तो मुझे लगता है कि आने ही चाहिए थे, तो एक काम करते हैं ना, टॉर्च ले आते हैं, बिना टॉर्च के काम नहीं होगा, और अंधेरा होगा तो कोई भी, अब मैं गोल्ड का आर्म भी नहीं लेके आया, कोई खैर गोल्ड का आर्म उतनी ज़रूरत नहीं है, तो अगर मैं इसको तोड़ूँ यहाँ से और दोबारा अगर नीचे, नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, हम लोग वहीं से माइन करना स्टार्ट कर देंगे, वो सही जगह वैसे वहाँ पर कैसे छिप रहा है ओके बहुत छिप रहा था, तो मैं यहाँ पर नीचे आ चुका, मुझे ना बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे, मैंने यहाँ से एक रास्ता बनाया था, ठीक है, तो ये वाला वो रास्ता है, इसको मेरे को ऊपर तक लेके जाना है, उसके बाद हम लोग फिर जाके करेंगे जो भी करना है। तो गाइज मैं एक परफेक्ट जगह पर पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से माइनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना के आया, क्योंकि हर जगह लावा नजर आ रहा था,
और कहीं पे एकदम नीचे खाई थी, तो बहुत बचते बचाते आए हो यहाँ तक। सबसे ज्यादा खतरनाक माइनिंग आज ही होने वाली, क्योंकि मैंने इससे पहले जब भी माइनिंग करी है मेरे पास आर्मर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेट ही चले जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं एक काम करते हैं F3 and G प्रेस करके अब हम लोग इस साइड जाने वाले हैं, क्योंकि बॉर्डर में ना थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा होते हैं मिलने के इंजन डिब्रीज के, चंक बॉर्डर में। फाइनली जब यहाँ पे ख़त्म हुआ ना बेसॉल्ट बायोम, शायद ख़त्म ही होने वाला होगा, तो आया क्या लावा। अच्छा इससे पहले तक कुछ भी नहीं था, और जैसे ही ख़त्म हुआ लावा आया। तो बेसॉल्ट बायोम का एक तो फ़ायदा है कि वहाँ पर लावा कम मिलता है। अब मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, कुछ भी हाथ नहीं लगा, इतनी लंबी मैंने टनल बना ली तो डीमोटिवेट कर रहा है मुझे, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ से निकल लेते हैं, कहीं और जाके ट्राई करने वाला हूँ मैं। ये कोई बैठा हुआ है क्या? मेरे को लगा कि बोट में कोई बैठा हुआ है, तो यहाँ पे तो नहीं है। इस डायरेक्शन में जाके एक बार मैं ट्राई करने वाला हूँ। ओके पहला इंजन डेवरी मेरे को मिल चुका यहाँ पे जाते ही। ओके और देख लेते हैं, और है क्या? सिंगल है बस। ओके कोई बात नहीं, चलेगा। चलो अभी इस साइड को जाते हैं। सिंगल मिला, लेकिन एक तो एटलीस्ट मिला। इसी डायरेक्शन में मैं जाने वाला हूँ। ये वैसे चंक बॉर्डर तो नहीं है ना, बट कोई बात नहीं, चंक बॉर्डर नहीं भी है तो चलेगा। एक बार इससे बाहर निकल जाओ ना, ये बहुत परेशान कर रहा है मुझे बेसॉल्ट। ओके गाइज, तो अभी मेरे को दूसरा वाला मेरा एंशिएंट डेब्री मिल चुका है, पता नहीं एक है या दो है। ओके उसके ऊपर बहुत सारा यहाँ पर लावा भी है। ओके कोई बात नहीं, तो पहले इसको माइन कर लेते हैं। और तीन मेरे पास हो चुके हैं, मेरे को 16 चाहिए टोटल अपना पूरा का पूरा आर्मर एंशिएंट अपग्रेड करने के लिए। एंशिएंट क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं कितना सारा ग्रेवल है यहाँ पे। अभी मैं अपने टूल्स पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो मेन गोल है वो है अपने आर्मर को स्ट्रांग बनाना। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप बच पाओ ना किसी के अटैक से, तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप, मैं तो कैसे भी करके मार ही लूँगा, अपने पास तो कुछ भी है, स्टोन के एक्स उससे भी मारा जा सकता है, लेकिन बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एक काम करते हैं, माइन करना स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसे 16 होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ, उसके बाद से हम लोग इसके पूरे के पूरे आर्मर को अपने अपग्रेड करने वाले हैं नेदरराइट में। और अभी तक मैंने डायमंड का बनाया भी नहीं है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं डायमंड का आर्मर उसी टाइम पर बनाऊंगा, उसी टाइम पर उसको अपग्रेड करूंगा और प्रोटेक्शन 4 लगाऊंगा सारे के सारे आर्मर में। ये बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग थी मेरी, जो कि सक्सेस होती नजर आ रही है। अगर मैं बच पाया यहाँ से तो बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा, लावा बहुत परेशान कर रहा है दोबारा से यार, ये आ चुका है। ओके तो आखिरी वाला जो एंशिएंट डेब्री था वो भी मेरे को मिल चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा खतरा है, ऊपर लावा है, तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं इसको माइन करूँगा तो ऊपर से लावा आएगा या नहीं आएगा। बट एक काम करते हैं, इसको माइन कर लेते हैं, यहाँ से फट से निकल जाते हैं। ओके तो यहाँ पर लावा वगैरह नहीं है, इस ब्लॉक के ऊपर है। मेरे को एक एक्स्ट्रा मिल गया, और हमेशा ऐसे ही होता है, मेरे को एक एक्स्ट्रा मिलता है उसके बाद मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा और माइन कर लेते हैं, तीन और मिल जाएंगे तो एक और चीज़ मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। बट नहीं, मुझे 16 चाहिए था और मुझे अभी 17 मिल चुके। अब जाके मुझे जाना है घर, बट मुझे रास्ता नहीं मिल रहा किधर से। ओके ठीक है उसको बंद करो, काफ़ी टाइम लगा लेकिन मिल चुके हैं सारे के सारे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी गोल्ड है सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं गोल्ड के इनगेट्स में। अभी मेरे पास जगह बिल्कुल भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैंने जैसे तैसे ना चीज़ें मैनेज करी हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे जितना भी ये है इसको हटा लेते हैं, अदरवाइज तो मतलब आसानी से मिल जाता है। चलो अभी निकलते हैं सीधे घर के लिए। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब मैंने बना रखे हैं, मतलब मुझे ही पता है कि मैं कैसे पहुँचा हूँ यहाँ नीचे तक। मैं चंक बॉर्डर में ही माइन कर रहा था, और मैंने एक गलती करी थी कि मैंने खाना लेके नहीं आया था, मेरे पास सिर्फ इतना खाना था और मैंने बचाया था। अगर ये ख़त्म हो जाता तो मुझे वापस घर जाना पड़ता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए मैं बहुत कम खा रहा था। मतलब जब बहुत ज़्यादा हंगर बढ़ जा रही थी तब जाके खा रहा था, फिलहाल अभी तो खा ही लेते हैं एक बार। क्योंकि ऊपर हो सकता है कोई हमारा इंतज़ार कर रहा हो, मैं मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। आर्मर अपना बहुत ही ख़त्म है, लेकिन अभी थोड़ी देर में बहुत ओपी वाला आर्मर बनने वाला है हमारा। ओके तो हम लोग यहाँ पर पहुँच ये मेरे को लगा था कि कोई ना कोई इंतज़ार करेगा ऊपर, और ये बैठा हुआ है, मतलब इसका बायोम और ये आए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर इतना कमज़ोर भी हो मेरा आर्मर नहीं कि मैं इसको बिना झेल पाऊँ। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और अपना आर्मर अपग्रेड करते हैं। मैंने एक्सपी भी बढ़ा ली, लेकिन एक्सपी ज़्यादातर मेरी जो एक्सपी थी वो चीज़ों को रिपेयर करने में गायब हो गई। मतलब जितनी भी एक्सपी है हो जाएगी, आई थिंक हो जानी चाहिए, कम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कम पड़ेगी तो मेरे को दोबारा यहाँ पर आके चेंज एक्सपी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एंशिएंट डिब्रीज को स्मेल्ट करने रख देते हैं, उसके बाद थोड़ी सी एक्सपी यहाँ से भी बढ़ जाएगी। और हाँ मेरे को गोल्ड चाहिए तो और एक ओके गोल्ड इतना हो जाएगा आई थिंक। वैसे भी मैं काफ़ी सारा गोल्ड लेके आ चुका हूँ, तो इससे भी हो जाना चाहिए काम। अब मुझे एक और चेस्ट बनानी है, उसके लिए मुझे चाहिए होगा वुड,
तो यहाँ से वुड काट लेते हैं जल्दी से। मैं काफी सारा क्वार्ट्ज लेके आया हूँ, इतने क्वार्ट्ज तो मैंने ब्लॉक बना लिए, तो ये क्वार्ट्ज बाद में हमारे काम आने वाले, अभी ये सब सामान यहाँ रख दो। इसमें एक टेबल बनाते हैं, तो फटाफट तैयारी करते हैं, और जैसे सब कुछ तैयार हो जाता है इनको पकने में टाइम लगेगा, तो जैसे ये स्मेल्ट हो जाते हैं उसके बाद से अपग्रेड करते हैं अपने आर्मर को। ओके, तो ये भी बनके तैयार है, अब जाके मुझे बनाना है एक आर्मर स्टैंड, ताकि मैं अपना जो पुराना आर्मर है ना उसको यहाँ पर लगा पाऊँ। उसने बहुत हेल्प करी है, अभी तक वही चल रहा था। अभी ये सब मेरा टेम्परेरी है, बेस बना नहीं है, तो बेस बनेगा हमारा बाद में, यहाँ पर लगा देते हैं। और अब अपना सारा का सारा आर्मर उतार लेते हैं। ओके, तो ये आर्मर बहुत सही लग रहा है, इसी में सही लगता है, पहन के अच्छा लगता बिल्कुल भी। तो यहाँ से सारे के सारे एंशिएंट डिब्रीज को ले लेते हैं, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं ब्लॉक में, शायद हो जाएगा। ओके, हो चुका है सारे के सारे, एक एक्स्ट्रा बच रहा है। ये हमेशा एक या दो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती है, इसको रख देते हैं यहाँ पे। अब जाके पूरा आर्मर में बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये बनाने वाले हैं लेगिंग्स, उसके बाद हम लोग बनाएंगे पैंट, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे ये, और इसके बाद हम लोग बनाएंगे हेलमेट। तो सारा का सारा ये भी बन चुका है, बाकी का बचा हुआ आर्मर अभी मैं इनको कन्वर्ट करने वाला हूँ। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले ना इनको कन्वर्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा मैं उल्टा करता हूँ, मतलब उल्टा या फिर जो भी, हमेशा अलग तरीके से काम करता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त वाली एडवांस मेरे को ये लगती है, तो अब जाके मेरे को लगानी है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे खतरा नज़र आ रहा है वो है इसमें, कि मैं सब में लगा पाऊँगा। पहले तो मैं प्रोटेक्शन लगाने वाला हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लगाते हैं सबसे पहले प्रोटेक्शन 4। चलो अब एक बार सारा का सारा आर्मर पहन लेते हैं। प्रोटेक्शन 4 अनब्रेकिंग 3, प्रोटेक्शन 4 अनब्रेकिंग 3। मैंडिंग में मेरे पास है, मैं मैंडिंग बाद में कभी भी लगा सकता हूँ। फिलहाल एक काम करते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे। सारे के सारे जो ब्लॉक है उनको मैं ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ, मुझे देखना है कि कितने ब्लॉक है। वैसे भी एक स्पेस ज़्यादा घेर रहा है, तो मैंने भी देखा नहीं कि मेरे पास गोल्ड कितना है, गोल्ड भी हमारे पास बहुत सारा है। ओके, तो ये हो चुका है हमारा 2 स्टैक के अराउंड। यहाँ पर भी थोड़ा सा डायमंड था मेरा, ये है, इसको भी अगर हम लोग कन्वर्ट करें, 2 स्टैक के अराउंड है, 2 स्टैक पूरा हो जाता अगर मैं उसको अपग्रेड नहीं करता, अपने आर्मर वगैरह नहीं बनाता, टूल्स वगैरह नहीं बनाता। तो फिलहाल ये देख लो हमारा आर्मर कितना सही लगता है। और ये टाइम ना बहुत, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये सब के लिए। अभी मेरे पास हाथ में टूल्स नहीं है नेदरराइट वाले, लेकिन बहुत जल्द वो भी हो जाएंगे। आयरन के आर्मर से, वो भी बिना एन्चेंटमेंट के, अभी मैंने अपना अपग्रेड किया बिल्कुल, यहां से यहां लेवल कर लिया सीधे आयरन के आर्मर से नेदरराइट का आर्मर, वो भी प्रोटेक्शन 4 के साथ। तो हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, अब अगर कोई खतरा आता भी है तो हमको झेल लेंगे आराम से, बाकी टूल्स भी बहुत जल्दी अपग्रेड हो जाएंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।